अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सफ़ा मक्का FIR इलेक्ट्रिशियन। आज जो गाड़ी है मेरे पास लेक्सस 570 2016 मॉडल गाड़ी है। इसके इंजन के जो सेंसर हैं जितने भी उनके बारे में लोकेशन और ये जो इंजन का बेल्ट है इसमें वाटर पंप की लोकेशन, टेंशनर की लोकेशन, AC कंप्रेसर की और पावर स्टीयरिंग पंप की लोकेशन, ये सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। तो शुरू करते हैं कि ये सबसे नीचे जो है ये कंप्रेसर लगा है इसका, ये देख सकते हैं LX570 कोई भी गाड़ी हो उसमें यही लोकेशन होगी। उसके बाद ये बैरिंग है जो ये सिर्फ रूलर बैरिंग लगा हुआ है। उसके अलावा ये जो लगा है ये इसका लगा है जिसके साथ फैन कनेक्ट होता है, और ये इसका वाटर पंप है, और ये क्रैंक की पुली है। उसके अलावा ये इसका टेंशनर है जिसकी मदद से आप फैन बेल्ट या इंजन का जो बेल्ट है उसको खोलते हैं या वापस लगाते हैं। उसके अलावा ये इसका जो अल्टरनेटर है सबसे नीचे है, और उसी के साथ में ये पावर स्टीयरिंग पंप है। तो उसके ऊपर इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का कोई भी कोड आए तो आप लेक्सस गाड़ी के बिल्कुल इंजन के सामने खड़े होकर अपने राइट हैंड पे देख सकते हैं कि इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्रैंक सेंसर के बारे में। इंजन के आप सामने खड़े हों तो बिल्कुल उसी साइड पे आपके राइट हैंड पे पीछे जाएं तो जहाँ फ्लाई व्हील लगा है, यह फ्लाई व्हील आपको नज़र आ सकता है। यहाँ से नीचे क्रैंक सेंसर की लोकेशन, ये क्रैंक सेंसर, यहाँ एक सेफ्टी कवर लगा हुआ है, इसके अंदर क्रैंक सेंसर लगा हुआ है, और फिर उसके बाद ये कैमशाफ्ट सेंसर हो गए जिसको वेरिएबल वाल्व टाइमिंग भी बोलते हैं। तो कैमशाफ्ट सेंसर एग्जॉस्ट, इसको बी भी बोलते हैं, एग्जॉस्ट बी, मुख्तलिफ स्कैनर में मुख्तलिफ कोड आते हैं, और इनटेक पे ये जो सेंसर लगा हुआ है। उसके बाद ये OCV ऑयल कंट्रोल वाल्व जो टाइमिंग को एडवांस करने के लिए। तो आप किसी भी लेक्सस गाड़ी के सामने जब खड़े हो जाएं तो आपके जो राइट हैंड पे आएगा जो बैंक वन का आपने पता करना है कि आपको बोलता है कि बैंक वन सेंसर वन OCV वाल्व। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके राइट हैंड पे गाड़ी के सामने खड़े होते हैं तो जो सामने बैंक सामने जो इंजन का जो हेड है वो बैंक वन है। उसके अलावा ये थ्राटल बॉडी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्राटल बॉडी, इसके अंदर सेंसर हैं, दो सेंसर हैं, और मैप सेंसर जो इसका है मैप सेंसर वो लगाया होता है इसके एग्जॉस्ट पे, तो जहाँ से एयर क्लीनर लगा होता है वहाँ लगा होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर जो हैं वो इसके सेंसर पर लगे हुए हैं। तो कोयलें, आपका कोड आए कोई भी कोयल का कोड आए कि AB, तो ए बैंक वन से शुरू होगी, ये बैंक वन से ए, फिर बैंक टू पे जाएगी बी, और इसी तरह फिर बैंक वन पे वापस सी, डी, ई, एफ, जितने भी 8 सिलेंडर हो 6 सिलेंडर हो यही तरतीब होगी कि ए से शुरू होगी और एक जो है वो बैंक वन से। तो उसके अलावा ये दो OCV वाल्व बैंक टू के भी हैं, और इसी तरह कैमशाफ्ट सेंसर ए और कैमशाफ्ट सेंसर बी बैंक टू के भी हैं, ये देख सकते हैं लोकेशन आप। तो जो नॉक सेंसर हैं वो जो ये लगा है इनटेक मैनिफोल्ड लगा है इसके नीचे लगे, इनटेक मैनिफोल्ड आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको नीचे लगे हैं इसके जो नॉक सेंसर हैं वो नज़र आएंगे। इसके बाद ये इंजेक्टर हैं, जो इंजेक्टर के भी यही है लोकेशन के एक बैंक वन से शुरू होगा। इंजेक्टर में ये मेन जो टंकी से पाइप आता है ये और कॉमन रेल के ज़रिए इसमें दोनों जो सिलेंडर हैं बैंक वन और बैंक टू इन दोनों में जो इंजेक्ट करता है ये कॉमन रेल के ज़रिए, ये देख सकते हैं पाइप एक ही पाइप से कनेक्ट हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन लेक्सस 570 के इंजन के लुके सेंसर के बारे में और बैंक वन बैंक टू के बारे में, और उसके अलावा ऑयल प्रेशर स्विच बिल्कुल नीचे जो जहाँ आपका ऑयल पम्प लगा हुआ है, यहाँ इसका कूलर लगा हुआ है, ऑयल कूलर बिल्कुल उसके ऊपर लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ़ी अमान अल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।